हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारी वेबसाइट है www.plusoneonline.com। ये सब चीज़ों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए। ये ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आप लैपटॉप के जरिए करना चाहते हो तो www.plusoneonline.com इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। अगर मोबाइल से करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप मिल जाएगा, जिसको आप मोबाइल में डाउनलोड करके ऑनलाइन कोर्स आसानी से सीख सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी हम लोग ने शुरू कर दिए, जैसे कि ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, जैसे कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी शुरू कर दिए और भी हम लोग नए नए कोर्सेज इसके अंदर लाने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑटो कैड 3D के ऊपर है, जो कि इसमें कोऑर्डिनेट व्यू के ऊपर का पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो डिटेल बताई गई है 3D ऑटो कैड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कोर्स करने के लिए 3D ऑटो कैड अगर आपको पूरी तरह से एकदम डिटेल में सीखना है तो ये टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है ये। अगर आपको इसका पूरा कोर्स करना है तो ऑनलाइन कोर्स में ऑलरेडी ये मौजूद है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, होजेफा सर की ओर बढ़ते हैं। और होजेफा सर आज हमें कैसे सिखाते हैं कोऑर्डिनेट व्यू का, चलिए उसको हम लोग सुन लेते हैं और देख लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, तो मुझे और भी वीडियो ज़्यादा बनाने में मज़ा आएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है उजेफा और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कोऑर्डिनेट्स एंड व्यू के ऊपर, के कोऑर्डिनेट्स और व्यू का कैसे यूज़ में लेने का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो इधर पे आपको जो एक्सिस नज़र आ रही है उसको किस तरीके से 3D में कंट्रोल करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर पे तो सबसे पहले इधर पे जो ऑप्शन आपको बहुत सारे नज़र आते हैं, जैसे शो UCS, UCS का मतलब होता है आपका इधर पे यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो यूज़र अपने हिसाब से सेट करेगा उसको हम लोग UCS बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन, ये हम लोगों का ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो आपको एक्सिस नज़र आ रहा है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसको कैसे कैसे हम लोग यूज़ में लेते हैं, क्या करते हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। तो इधर पे सबसे पहले इसका मैं पहला ऑप्शन बता देता हूँ। अगर जैसे आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो ये यहाँ से हाइड हो सकता है। देखो अभी मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको शो UCS आइकॉन, तो अगर आप आइकॉन करोगे तो आपको सिर्फ UCS आइकॉन नज़र आएगा। आपको ये नहीं बताएगा कि आपका पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपको आइकॉन्स नज़र आता है। और नेक्स्ट आपको इधर पे आता है शो UCS आइकॉन एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको पेज भी आपका बता देगा कि यहाँ पर इसका पेज है। देखो दिख रहा है, अगर मैं इसको UCS ऑनली रखता तो इसे आपको ये पॉइंट दिखाता, नहीं आइकॉन दिखाता कि ये इधर पे है। अगर इसको ऐड कर दिया तो देखिए आपका ये पेज सेटअप पे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, ये कैसे यूज़ में लेने का। ये सेपरेट सेपरेट करने के लिए है, क्योंकि ये तीनों एक साथ ही कहीं पे भी जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो एक्स को रोटेट करना है या वाई को रोटेट करना है, जेड को रोटेट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। तो इधर पर मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने बॉक्स बनाना तो इसे सिखाया है, यहाँ से मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स इसके हिसाब से हो, तो इधर पे मैं एक्स एक्सिस को लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया बीच में, तो देखिए एक्स एक्सिस उसके हिसाब से क्या आएगा, सेट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है अब वो पेज, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये कैसे भी व्यूपुट यानी अपने हिसाब से सेट करके दे देगा। इसके लिए इसका यूज़ ना करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको इसको रीसेट करना है तो यहाँ से आप UCS प्रीवियस का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और रहा बात यहाँ पर, आप एक ऑप्शन आपको इधर पे और मिलता है UCS वर्ल्ड, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो ये आपका नॉर्मल हो जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी, और आपको इधर पर प्रीवियस का भी ऑप्शन दिया है जो एरो का निशान नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलते हैं, तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको मिलता है व्यू, अलाइन द एक्स वाई प्लान ऑफ द यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या होता है, यानी ये आपका जो दिख रहा है ना ये व्यू पोर्ट, ये स्क्रीन है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, आपका ओरिजिन जो होएगा वो मूव होएगा। यानी मैं इधर से देखो, यहाँ से मैं ओरिजिन उसके हिसाब से ही लेके जा सकता हूँ, यानी अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से जैसा भी मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं वर्ल्ड कर देता हूँ, मैं जैसे इसको मूव कर देता हूँ, इधर पर आपको मूव का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ओरिजिन को आप मूव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से सेट होएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो क्या करे, अपने आप को चेंज करे,
तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। जैसे मैं इधर पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो इधर पे मैं लेता हूँ आपकी क्या ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो ये पॉइंट, देखो कैसा अपने आप ही ओरिजिन को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, दिख रहा है, ऐटोमेटिक सेट हो रहा है। इसको मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जस्ट क्लिक करना है। देखो ये सेट हो गया ऐटोमेटिक, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से लेगा, इसको हम लोगों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या करता है, अपने आप को सेट करता है। अब नेक्स्ट जो उसके बाद जो ऑप्शन आता है दोस्तों आपको, वो आता है फेस। अब ये फेस का कैसे काम करता है, तो इधर पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे मैं समझा पाऊँ कि ये कैसे फेस वाला लेता है। तो ये एक बॉक्स है। अब मैं इधर पे वायर फ्रेम की जगह जाके क्या करता हूँ, शेडेड फ्रेम, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। चलिए यहाँ पर मैं अब लेता हूँ क्या, फेस। यहाँ पर मैंने फेस लिया, तो देखिए फेस के हिसाब से करा, कोई ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, फेस जैसा फेस वैसा वो वर्क करेगा, ये उसके हिसाब से ही ये बार बार अपने आप को क्या करेगा, पेज को सेट करेगा। ठीक है, पीछे का देखना चेंजेस हो गए, देखो अब ये चेंजेस हो रहे हैं पूरे। तो ऐसा ही अपने आप को क्या करता है, सेट करता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसको व्यूपुट पे डाल देता हूँ, नॉर्मल वर्ल्ड कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन आता है वो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपको उसका जैसे मान लो, तो इधर पे मैं पहले तो मैं इसको 2D वायर फ्रेम में कर लेता हूँ ताकि मुझे ऐसा नज़र आए। ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको UCS आइकॉन की सेटिंग्स मिलती है अलग अलग। तो यदि आपको 2D पे अगर करना है तो 2D पे ले लीजिए, तो प्री मोड में वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप इसको 3D में करना चाहते हो, 3D पे ले लीजिए, तो प्री मोड में वो ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद अगर जैसे उसकी लाइन विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। देखो इसकी लाइन थोड़ा इधर पर मोटी हो जाएगी, ये देखो अगर उसको आप बड़ा करना चाहते हो ओरिजिन पॉइंट को अपने, तो यहाँ से आप उसकी साइज़ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो देखिए बड़ी हो गई साइज़। फिर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ 60। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो येल्लो, तो इधर देखिए येल्लो हो गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अप्लाई सिंगल कलर। यानी ये आपकी कैसा है कि एक कोई सिंगल एक कलर पे चल रहा है आप लोग का ओरिजिन जो है। अगर मैं ये बंद कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, देखो इधर पर कलरिंग हो गया, तो इधर पर फ्री में क्या आएगा, कलरिंग दिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्लाई सिंगल करता हूँ मैं। इधर पे लेआउट टैब आइकॉन, अभी जैसे कि मैंने इसको चेंज किया, बराबर ओके किया, लेकिन कलर तो वाइट का वाइट ही आ रहा है, तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही इधर पे। तो इधर पे आपको क्या करना है, आपका लेआउट पे जाना है। तो लेआउट में इधर कॉर्नर पे देखो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। ये लेआउट्स में आपको ये कलर शो होता है। जैसे अगर मैंने इधर पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी सेटिंग कर दी येल्लो, तो अभी उधर पे लेआउट टैब में क्या नज़र आएगा, वो येल्लो नज़र आएगा, इधर पे कॉर्नर पे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पूरा नॉर्मल करता हूँ पहले, तो इसको वन कर देता हूँ, लो चलो बाकी सब ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों का जो आता है वो है UCS, जो हम लोग का मैनेज यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इधर पे मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर मैं बॉक्स लेता हूँ, मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मैं जो भी ओरिजिन को सेट करूँगा इसके हिसाब से करने वाला, कैसे, तो देखिए यहाँ पर मैंने UCS पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये पहले तो पूछ रहा है एक्स एक्सिस किस साइड रहेगा, तो वो मैंने बता दिया। फिर ये एक्स वाई प्लेन क्या होगा आपका, तो मैं इधर पे एक्स वाई प्लेन फिर सेट करने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे मैंने देखो ये एक्स वाई को इधर बता दिया, देखो ये वाई ये एक्स। तो आप जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो उसी दिशा में बनेगा। देखो अगर मैं सोचता कि डायरेक्ट बनाता इसको विदाउट सेट, यानी ओरिजिन को मैंने वैसे ही रखा हुआ और मैंने सर्कल इधर बनाने की कोशिश की, तो देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन अगर आप मान लो कहीं नीचे बना रहे हो इस साइड पे, तो देखिए सर्कल आपका टॉप लाइन के हिसाब से बन रहा है। अब मैं ओरिजिन को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ UCS आइकॉन, इधर पे मैं सेट करता हूँ इस पर। अब मैं बोलता हूँ एक्स वैल्यू इधर जाएगी, एक्स वैल्यू इस साइड और वाई वैल्यू नीचे की साइड। अगर आप ऊपर रखोगे तो आपका ऊपर की साइड ये बनाया, देखो सेट हुआ अपने आप। फिर उसके बाद कोई भी रेक्टेंगल आप क्रिएट करते हो उसके हिसाब से ही अपने आप को मेनटेन करता, ठीक है।
फिर नेक्स्ट दोस्तों, अगर जैसे मान लो आपको इतना नहीं करने का है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आपसे नहीं सेट हो पा रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर क्लिक करो, एक ये पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करो, इधर आपको तीन पॉइंट मिलते हैं, तो जो भी पॉइंट, जैसे आपको ओरिजिन को मूव करना तो आप डायरेक्ट इधर से भी मूव कर सकते हो। यहाँ से देखो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, आपको इधर अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट मूव कर सकते हो। प्लस अगर आपको एक्स वाई अपने हिसाब से सेटअप करना मैनुअली, तो आप इधर क्लिक कीजिए, देखिए सेट हो रहा है अपने हिसाब से, देखिए ये पॉइंट को बस मूव करते जाना, आपको जैसा भी आपको रखना है, जेड को कहीं और डालना है तो आप वो कर सकते हो, वाई को कहीं और रखना है आप वो कर सकते हो। फिर इधर पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो ओरिजिन का मिलता है, ये इधर से भी आप ऐसे मूव करके ले से आ सकते हो, ये जस्ट ओरिजिन को आप मूव कर सकते हो, यहाँ से आप मैनुअली उसको सेट कर सकते हो। ओके, फिर वो उसी के हिसाब से आपको बना के देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बना हम लोगों का। फिर नेक्स्ट दोस्तों जो हम लोगों का आता है, वो आता है हम लोगों का जेड एक्सिस वेक्टर, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो इससे क्या करते हो आप, अपना जेड एक्सिस को क्या करते हो, एक दिशा देते हो। जैसे मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करो तो वो जेड एक्सिस में इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इधर मैं एक्स एक्सिस को सेट कर देता हूँ इसके हिसाब से ताकि प्रॉब्लम ना आए। इधर पे बार बार वो देखो हम लोगों का मूव हो जा रहा है, तो इसको मैं सेट करता हूँ अच्छे से ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। एक्स एक्सिस को मैंने ऐसे रख दिया, और उसके बाद जेड वाई को ऊपर की साइड रखता हूँ या नीचे की साइड, बात एक ही है। ठीक है, इधर एक रेक्टेंगल में इस पॉइंट से देखो, देखो बना अभी हम लोगों का बराबर सेट करना पड़ता है, तभी वो हम लोगों को इस तरीके से क्रिएट करने देगा। ऐसे कि जेड इस साइड है, अब अगर आप जेड इस साइड रखना चाहते हो इस साइड रख सकते हो, यहाँ में जेड इस साइड। अब जब भी आप कोई चीज़ एक्सट्रूड करोगे तो वो उसी दिशा में क्या आएगी, एक्सट्रूड होगी। आप अंदर बाहर जैसा एक्सट्रूड करना चाहते हो वैसा कर लो। यहाँ से मैं शेडेड व्यू में डालता हूँ जिससे आपको समझ आए, देखो एक्सट्रूड हुआ उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग जेड वेक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इधर पे थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट का दोस्तों कैसा है, तो पहले मैं इधर पे वर्ल्ड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ थ्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले मैं क्लिक किया कि मुझे ये मेरा बेस पॉइंट होगा, मतलब मैंने ओरिजिन पॉइंट दिया, न्यू पॉइंट मैंने सजेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इधर पे एक्सिस का हम लोगों को एक्स एक्सिस का पूछ रहा है, तो मैंने इधर पे नीचे की साइड दे दिया उसको। और फिर उसके बाद मुझे पूछता है UCS XY प्लान क्या होगा, तो इधर पे मुझे XY प्लान बताना पड़ता है, जैसे हम लोग ने पहले अभी देखा इससे पहले यही वीडियो में कि प्लान बताना पड़ता है। तो देखिए बना उसके हिसाब से, तो ऐसे हम लोग थ्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जैसे मान लो अगर आपको जैसे अगर आप पॉइंट वैल्यू के हिसाब से देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, इधर पे थ्री पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप ऐसा भी दे सकते हो कि मुझे 1x वैल्यू करना है, y वैल्यू से 5 रखना है और z मेरा 0। तो ये अपने हिसाब से देखो उधर पे कर रहा है काम, ये देखो इस तरीके से क्या करता है वो वर्क कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू के हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं, ज़्यादातर तो वैल्यू के हिसाब से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, इसके बाद इधर पे दोस्तों चलो ये तो हो गया ओरिजिन के बारे में। फिर उसके बाद इधर पे हम लोगों को एक ऑप्शन और मिलता है UCS नेम, तो ये आप जैसा है वैसे ही रखो, इसको कुछ भी चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी सेटिंग को कुछ भी चेंजेस मत करना वरना कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है उसको वैसे ही रखो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आते दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉप व्यू बॉटम व्यू उसका किस तरीके से यूज़ में लेना, सेम ऑफ ये भी एक जेड एक्सिस वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। अगर जैसे मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लेता हूँ शेडेड व्यू में जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके चार साइड है, बैक फ्रंट टॉप, चार के छः साइड बनेंगे, बॉटम लेफ्ट। तो अगर जैसे मुझे इसके काम करना है लेफ़्ट के ऊपर, तो मैं लेफ्ट डायरेक्टली लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जब भी कुछ चीज़ बनाएगा मेरी तो वो उसी के हिसाब से बनेगी। देखो जब भी कोई चीज़ बना रहा हूँ मैं वो उसी के हिसाब से बनेगी। पे मैं इसको वायर फ्रेम में डालता हूँ क्योंकि ये सॉलिड है, इसके लिए इसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही। चलो हो गया, देखो ये एक्सट्रूड हो गया हम लोगों का, ये लेफ्ट का हो गया। अभी जैसे मुझे इधर से मैंने फ्रंट का वो काम लेना, मैंने डायरेक्टली इधर से फ्रंट कर दिया, फिर इधर से एक रेक्टेंगल बनाया,
अब वो इधर से बना रहा हूँ मैं। तो देखिए ये फ्रंट से बन रहा मेरा, इसको मैं वायर फ्रेम करता हूँ फिर एक्सट्रूड करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को। तो देखिए फ्रंट का भी हो गया हम लोगों का। अब जैसे मैं इसको करता हूँ इधर से मेरा राइट व्यू, तो ये राइट व्यू पे गया। अब राइट व्यू और लेफ्ट व्यू दोनों भी तो एक जैसा काम करते हैं, जस्ट हम लोगों को इधर पे पॉइंट पकड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर वायर फ्रेम, यहाँ पर मैंने एक्सिस, देखो बन गया। फिर इधर पे मैंने डाल दिया टॉप व्यू। अब देखो टॉप व्यू पे गया तो देखिए एक्सिस अपने आप सेट हुआ। यहाँ पर मैं कोई रेक्टेंगल बनाऊंगा तो वो टॉप व्यू के हिसाब से ही बनेगा। तो वो बना, यहाँ से एक्सट्रूड हो गया अपना काम। ठीक है, इसी तरीके से बैक बैक हम लोग ले सकते हैं, बॉटम, तो ऐसे हम लोग इधर से यूज़ कर सकते हैं। और वर्ल्ड की है तो ये एक नॉर्मल साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, यानी इधर से हम लोग साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक अगर सेट रखते हैं तो उस पर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा आते हैं दोस्तों इधर पे नेक्स्ट जो हम लोगों का होता है, यहाँ से हम लोग इसका वायर फ्रेम रख सकते हैं उसको, इस तरीके से इधर पे सेटिंग कर सकते हैं हिडन टाइप कुछ ऐसा, रियल एस्टेट जो भी आपको करना है। आप इधर से शेडेड व्यू, ठीक है, सब इधर पे अवेलेबल है। आपको एक्सरे व्यू, आपको एक्सरे व्यू मिलता है। फिर उसी के बाद दोस्तों नीचे की साइड आपको इधर पे मिलता है सिंगल व्यू पुट, तो ये तो हम लोगों का ऑलरेडी सेट है। अगर मैं इधर पे लेता हूँ मल्टीपल व्यू पुट, तो देखिए इधर पे हम लोगों को सारे व्यू पुट दे दिया। अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा मेरा टॉप व्यू शो करे, तो इधर पे कस्टम व्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए टॉप व्यू, तो देखिए टॉप व्यू पे सेट हो गया। और अगर जैसे इसको मैं वायर फ्रेम पे रखना चाहता हूँ, तो इधर पे मैं क्या करूँगा शेडेड ऑफ ग्रे की जगह पे ले लूँगा वायर फ्रेम, यहाँ पर मैंने क्लिक किया नीचे वाले पे, यहाँ पर एक्सरे व्यू चल रहा है, इधर पे मैंने ले लिया जैसे हिडन हिडन व्यू पे लिया, और प्लस इधर पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक की जगह पे मैंने ले लिया ये मेरा राइट व्यू। तो देखिए राइट व्यू शो होने लगा। फिर इधर पे नेक्स्ट जो हम लोगों का आता है वो है दूसरा कोई व्यू हम लोगों को सेट करना है, तो उधर पे लेफ्ट व्यू जैसे मैंने सेट किया, और इधर पे वायर फ्रेम की जगह पे मैं ले रहा हूँ रियल एस्टेट, तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, जो भी आइसोमेट्रिक आपको रखना है आप इधर से रख सकते हो। उसको मैं रियल एस्टेट या हिडन या शेडेड पे जैसा भी रखना चाहो उधर से मैं रख सकता हूँ। और उसको मैं सेपरेटली जूम आउट जूम इन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ग्रिड पेपर हटाना है तो उसके लिए मैंने बताया कि F7 दबाइए, आपका ग्रिड पेपर हट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग व्यू पुट सेट हो गए आपके। फिर इधर पे बीच में आप व्यू पुट को रख के सेटअप भी कर सकते हो, कौन सा व्यू पुट आपको ज़्यादा देखना है, इसको ज़्यादा देखना है तो ये रख दो, कम देखना है किसी को तो ये सब खींच दो इधर से, यहाँ से आप उसको सेटअप कर सकते हो, जैसा भी आप सेट करना चाहो इधर से आप उसको सेटअप कर सकते हो। रहा बात अगर किसी सिंगल व्यू पुट पे आपको डायरेक्ट फोकस करना है, तो क्लिक कीजिए इधर पे, ज़्यादा नहीं आपको इधर पे सिंगल व्यू पुट ले लेना है, वो ऑटोमेटिक उधर पे फोकस हो जाएगा। मल्टीपल व्यू में जाइए, यहाँ पर जैसे मुझे ये वाला नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक वाला व्यू फोकस करना है फुल पेज पे, यानी फुल स्क्रीन पे, तो इधर पे सिंगल व्यू पे ले लीजिए आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि वो व्यू पुट आपको सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको सिंगल व्यू पुट उसका निकाल के देगा। रहा बात अगर जो भी मैंने आपको सिखाया है इसको टर्निंग करना, तो वो आपको सेम शिफ्ट दबा के बीच का स्क्रॉल बटन दबाइए माउस का, और इसको मूव करके देख सकते हो आप अपने हिसाब से। हर एक व्यू पुट को हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। किसी को रियलिस्टिक में डाल सकते हैं, किसी को शेडेड में डाल सकते हैं, किसी को वायर फ्रेम, किसी को लेफ्ट व्यू या राइट व्यू, जैसा भी सेट करना हम लोग इधर मल्टीपल व्यू में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हम लोगों का व्यू पुट और कोऑर्डिनेट्स का कैसे यूज़ करने का। आई होप आपके समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।